हमारा चैप्टर है रीवा और विंध्य क्षेत्र का, उन्होंने आज ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो 10 तारीख से बंद कर देंगे। 3 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया था और उन्होंने आज से काम बंद कर दिया है। और आयुष्मान विभाग को एक ऑफिशियल लेटर, पूरे विंध्य एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सतना, मैयर, आपका रीवा, सतना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उनका लेटर कल आयुष्मान डिपार्टमेंट को मिल गया। ये एसोसिएशन अभी 3 महीना पुरानी है, आप इस तरीके से समझेगा, रतलाम, नीमच, खंडवा, छिंदवाड़ा, हर जगह हमारी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विंध्य और मालवा और ये भोपाल रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग है। एक्सपेक्टेड ये 600-700 करोड़ के आसपास होगा। और अगर हम इसके अंदर कई तरीके के अमाउंट है, अमाउंट भी आप समझ लीजिए, कई अमाउंट ऐसा है जो डिस्प्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 100 रुपए का काम कर रखा है, 30 रुपीज उसके इन्होंने कहा कि रिजेक्ट हो चुके, तो वो 30 रुपया अभी डिबेटेड है, हमने उसको अप्लाई किया हुआ है। मार्च 2023 तक का जो भी हम अस्पतालों का भुगतान है उनको बैठकर नीति अनुसार विधि अनुसार हमें शीघ्र दिया जाए, ताकि पिछले लगभग 1 साल से हम लोग जो कर्ज में दबे हुए हैं, पैसे की बहुत कठिन व्यवस्थाओं को फेस करें, उससे हमें निजात मिले। 31 मार्च 2023 तक का भुगतान शीघ्र निराकरण करके दिया जाए। अब भी हमारी मंशा, शासन के मंशा के अनुरूप लोगों की सेवा और खासकर गरीब मरीजों की आयुष्मान के माध्यम से सेवा करने की मंशा है, इच्छा है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है, किराया देने को पैसा नहीं, बिजली का बिल देने को पैसा नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह देने को पैसा नहीं, दवाइयां खरीदने को पैसा नहीं, यदि कोई और अन्य भुगतान लगते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हमें काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान से संबंधित मरीजों का काम मजबूरीवश, मन से नहीं, मजबूरीवश, भारी मन से बंद करने में मजबूर हो गए, क्योंकि जो आयुष्मान का निर्णय लेने के लिए कार्य समिति है या जो योजना समिति है, उस योजना समिति में हम लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जब तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है और दो लोगों के बीच के एग्रीमेंट में एक पार्टी है, दूसरा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी एक योजना या ऐसा एक संयुक्त एक समिति बनाई जाए जिसमें हमारे संस्था के भी प्रतिनिधि, हमारी संस्था की और हमारे चिकित्सक साथियों की समस्या रखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर वहां अंदर रहें और संतोषजनक तरीके से, शालीनता से, विधिवत